इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 3। आज इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल पोजीशन इक्विटोरियल पोजीशन एट एनी पॉइंट रीड करेंगे, और थोड़े से स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर दो चार न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि टू चार्जेस हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, एक क्यू वन और एक क्यू टू, टू चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। टू चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, एक दूसरे से आर डिस्टेंस प्लेस्ड हैं, तो इन दोनों चार्ज को मीट कराने वाली लाइन पर किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ये क्वेश्चन आता है। उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो देखो, जब दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों और अपोजिट साइन के, इंपॉर्टेंट है अपोजिट साइन के, सेम साइन के अगर चार्जेस हुए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। ठीक, डिफरेंट साइन के होने चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज दिया एक नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि क्यू वन चार्ज बड़ा है माइनस के क्यू टू से। पहले एक छोटी सी बात को मालूम है, थ्री कूलाम बड़ा है या माइनस के फोर कूलाम, तो माइनस के फोर कूलाम चार्ज बड़ा है थ्री कूलाम से, क्योंकि चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, चले आगे बढ़ते हैं। तो Q1 चार्ज बड़ा है, लेट कर लिया हमने Q1 चार्ज बड़ा है माइनस के Q2 से, तो उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। यानी कि दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है इस केस में। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? एक पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस और छोटे चार्ज के पास, बिटवीन टू चार्जेस और छोटे चार्ज के पास, तो क्यू टू छोटा चार्ज पार्टिकल माना है, तो छोटे चार्ज के पास और दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो सकता है? जीरो। तो हमसे क्या पूछा है कि उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो इस क्यू वन से नेट कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो पॉइंट कहां पर कंसीडर करने चाहिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो एक पॉइंट यहां कंसीडर कर सकते हो, ये एक हो गया। अगर इसी केस में, इसी वाले केस में अगर हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करना चाहें, ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है और ये आपका माइनस के Q2 चार्ज, यहां ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहां पर भी Q1 बड़ा है माइनस के Q2 से और ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है छोटे चार्ज की साइड में लाइन जॉइनिंग के ऊपर, दोनों चार्ज को मीट करने वाली लाइन जॉइनिंग पर छोटे चार्ज की साइड में बाहर की तरफ, वो पॉइंट मान सकते हैं। तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, चाहे आप ये लिख दो कि माइनस के क्यू टू से एक्स डिस्टेंस पर, या Q1 से कह दो कि Q1 से एग्जिस्टेंस को, किसी से भी बता दो उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है आपको, लास्ट में बताना पड़ेगा कि हम ये x कहां से मेजर कर रहे हैं। आप चाहो तो माइनस के Q2 से एग्जिस्टेंस कह देते या Q1 से कह दो एग्जिस्टेंस, लास्ट में बताएंगे हम जब x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर कह देंगे कि Q1 से x ये पॉइंट है x1 एग्जिस्टेंस पर, Q1 से मेजर कर रहे हैं फ्रॉम Q1, क्लियर। तो ये x दो पोजीशन नहीं हो गई, x फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट की पोजीशन पूछा तो x निकालना है हमें, दो पोजीशन हो गई दोनों चार्ज के बीच में छोटे चार्ज के पास, वो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, छोटे चार्ज की साइड में लाइन जॉइनिंग पर लाई करने वाला एक पॉइंट बाहर की तरफ, वो पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के लिए। लेकिन थर्ड केसेस में बनता है, तीसरा पॉइंट बनता है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक प्लस के क्यू है और एक माइनस के क्यू है, ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर,
सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट साइड के टू चार्जेस हैं और एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो जब सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट साइड के टू चार्जेस हों तो इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर, बिटवीन और मिड पॉइंट पर, आउटसाइड नहीं, बिटवीन और मिड पॉइंट पर से एक लाइन ड्रॉ कर लो आप ऐसे, और ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो इस दोनों चार्ज को मीट करने वाली लाइन जॉइनिंग के कैसी है, परपेंडिकुलर है, और पास कहां से हो रही है, मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, इस लाइन के इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो जीरो आएगा, मिड पॉइंट पर ही पोटेंशियल निकालोगे तो जीरो आएगा, और इधर निकालोगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा। समझ में आता है ये इस पूरी लाइन पर, ये लाइन कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से, Q और माइनस Q के मिड पॉइंट से, और इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन पर एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल सेम होता है, कितना होता है, जीरो। ठीक है, एक तो हम अभी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम एक यहां पर एक प्लस के क्यू चार्ज ले लिया और एक यहां पर हमने ये माइनस के क्यू चार्ज ले लिया, ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, आठ डिस्टेंस पर है, इसके मिड पॉइंट पी पर अगर पोटेंशियल निकाले, मिड पॉइंट पे निकाले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर राइट घर से भी आर राइट होगी। तो देखो नेट पोटेंशियल निकाल दो सीधा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, पॉइंट चार्ज का पावर लगा दो, 1/4πε0 चार्ज है प्लस का क्यू, और क्यू से पी पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट सेपरेशन है आर राइट, और चार्ज पॉजिटिव इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से निकाल दो प्लस, चार्ज नेगेटिव इसीलिए माइनस है, 1/4πε0 चार्ज है क्यू, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालें तो इस चार्ज से उस पी पॉइंट तक की सेपरेशन कितनी है, आर बाई टू, ये भी आर बाई टू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ये से कैंसिल, तो नेट पोटेंशियल आया है कितना, जीरो मिड पॉइंट पर। ठीक है, दो यही केसेस होते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, सॉरी सेम साइन के चार्जेस होंगे, चाहे वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो चाहे सेम साइन के हो, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा, टू चार्जेस हैं 3×10⁻¹ कूलम एंड −2×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड 15 cm अपार्ट। अब पूछा क्या है उसने, देखो एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, उस पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इसके दो केस बन सकते हैं, दो पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है, डिपेंड मैग्नीट्यूड पे और अपोजिट साइड पे चार्जेस हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जैसे केस फर्स्ट कि एक हमने चार्ज लिख लिया 3×10⁻¹ कूलम और दूसरा लिख लिया हमने −2×10⁻¹ कूलम, ये एक दूसरे से 15 cm की डिस्टेंस पर। तो इन दोनों में से स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज कौन है, ये वाला। तो इस चार्ज के पास, इस वाले चार्ज के पास है ना, और दोनों चार्ज के बिटवीन लाइन जॉइनिंग पर लाई कर रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, जीरो है ना। अब ये पूछ क्या रहा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो माना, तो इसकी पोजीशन बतानी है। तो हमने कह दिया इस 3×10⁻¹ से कितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स निकाल के दिखा दीजिए, हम कह देंगे कि 3×10⁻¹ कूलम से एक्स डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो। अब इस एक्स को कैसे निकालें, तो देखो ये इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो आप पहले इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल लीजिए ड्यू टू दिस चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उसे कितना पुट कर दीजिए, जीरो, क्योंकि गिवन है जीरो पोटेंशियल इस जगह पर है ना, और सॉल्व करिए एक्स निकल आएगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ कितने चार्जेस हैं, दो, एक ये रहा एक ये रहा। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू 3×10⁻¹ कूलम। ठीक है, तो निकाल लो भाई,
पोटेंशियल का फॉर्मूला डालो वी वन वन अपॉन फोर पाई एफ समझ लो, ये चार्ज कैसे निकाले तो 3 × 10⁻¹ की ऐसे निकालने पीक पॉइंट पे निकालने तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है x, तो नीचे लिखो x। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट लिख देते हैं एट अ पॉइंट p ड्यू टू माइनस के 2 × 10⁻¹। तो v इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है, बिल साइन पुट करते तो साइन लगा लिया ये वाला चार्ज का साइन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जी, चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं 2 × 10⁻¹ डिस्टेंस कितनी है वो देख लो, तो माइनस के 2 × 10⁸ कूलम और पी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन देख रहे हैं इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन, ये 15 है ये x है लेकिन सब ऐसे सिस्टम में लिख रहे हैं, तो ये वाली जो सेपरेशन आएगी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, ये सेपरेशन आएगी 15 − x 15 − x, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी है पहले −k·2 − x −k·2 10⁻²। सेंटीमीटर में ऐसा सिस्टम में लिखे ये सब क्योंकि सिस्टम ऐसा सिस्टम में बहुत लगा रहे हैं, निकाल ली। अब क्या करें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो, ना नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो v इज इक्वल टू v1 + v2, v की वैल्यू कितनी क्वेश्चन गिवन है, p पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो ये गिवन है तो 0 लिख दो, तो v1 + v2, तो v1 इज इक्वल टू इसको जल लिया तो −k·2 वैल्यू पुट कर दो, v1 की वैल्यू है 1 upon 4 pi epsilon 0 3 × 10⁻¹ × x is equal to −(−1/4π)₀ 2 × 10⁻¹ and 15 × 10⁻², और −x देखो −± हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और 10⁻¹ से 10⁻¹ कैंसिल हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें करेंगे तो 45 हो गया, देखो 45 × 10⁻¹ और इसका इसमें कर रहे हैं तो −k·3x और इसमें इसमें कर रहे हैं तो इजुक्ल टू 2x, ये −± हो गया, इसको दलेगा तो इसको दलाए तो 9x हो गया कि नहीं, तो 45 × 10⁻¹ = 5x हो गया, हाँ 3 × 2 = 5x, तो x निकाल लिया तो 9 × 10⁻¹ 5 का डिवाइड कर दो, इतने मीटर चाहो तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो इसे 9 cm, 10⁻²⁰ cm, लेकिन ये कहाँ से है, फ्रॉम 3 µC चार्ज से, कहाँ से है, फ्रॉम 3 × 10⁻¹ 8 कूलम 3 × 10⁻¹ 8 कूलम चार्ज से, इतनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है 0। ये एक क्वेश्चन एक पार्ट हो गया इसका, अभी एक पॉइंट और हो सकता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, उस पॉइंट की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो उस पॉइंट की पोजीशन के लिए केस नंबर सेकंड, पहले समझ में आया आपको ठीक है, दूसरा केस देखते हैं इसमें सेकंड केस, पोटेंशियल निकालना आता है ना, कल लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाया है ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज तो है सारे आपके यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस है, सेकेंड केस क्या हो सकता है आपका इसी, तो एक आपका 3 × 10⁻¹ −k·8 कूलम चार्ज और दूसरा आपका −k·2 × 10⁻¹ −k·8 कूलम चार्ज, ये एक दूसरे से 15 cm की डिस्टेंस पर है, तो देखो एक पॉइंट और हो सकता है, दोनों चार्ज को मीट कराने वाली लाइन जो नहीं था छोटे चार्ज की साइड में बाहर की तरफ, वो पॉइंट मान सकते हैं जिस पर पोटेंशियल कितना हो 0, तो इससे ही कह देते हैं इससे कितनी डिस्टेंस पर है x, x डिस्टेंस पर, अब इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू दोबारा से निकालते हैं लेकिन ये बाहर की तरफ आ गया p पॉइंट है ना, तो अब इस x की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा नेट पोटेंशियल, एक बार इसके लिए से पोटेंशियल निकाल लो, एक बार इसके लिए से पोटेंशियल, फिर नेट पोटेंशियल निकाल लो, उस नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0, फिर सॉल्व करो फिर x निकालो, तो करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, अब इसे p ना कह के p डैश कह देते हैं,
एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के एप्सिलॉन, तो कितना कहेंगे वी वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 3 इंटू 10 की पावर माइनस ए डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो देखो इस चार्ज और पी डैश पॉइंट के बीच की सेपरेशन कितनी है x पर x। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी डैश डू टू माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस से जुड़ा, तो वी टू लिख लो, माइनस का आप चार्ज है तो दिस साइन लिख लें, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, डिस्टेंस कितनी इस चार्ज और पी डैश के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, इसके और इसके बीच की सेपरेशन लिखनी है। तो बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस कितनी है 15, तो ये डिस्टेंस किस निकालेंगे x में से 15 बिठा के, तो x माइनस 15, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा माइनस के, ठीक है भाई। अब नेट पोटेंशियल निकाल दो, नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी डैश, तो v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, इस नेट की वैल्यू तो जीरो है, ये वी वन प्लस ये वी टू, तो वी वन इज इक्वल टू माइनस के वी टू, इसको उधर ले वी वन की वैल्यू करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 3 इंटू 10 की पावर माइनस ए डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये भी माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 10 की पावर माइनस ए डिवाइड बाय एक्स माइनस के 15 इंटू 10 की पावर, देखो इससे ये कैंसिल इससे ये वाला कैंसिल, मल्टीप्लाई करो इसका इसमें करेंगे तो 3x और इसमें इसमें करेंगे तो 45 10 की पावर माइनस के, और इसका इसमें कर ले इज इक्वल टू सॉल्व कर, देखो इसको दंडे आएंगे और इसको दंडे आएंगे, तो अगर ऐसा करोगे तो आप यहां कर देते हैं क्वेश्चन उठा के, तो 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 45 इंटू 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 45, ये इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर आ रहा है, इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 45 सेंटीमीटर कहाँ से है ये भी फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 पूरा, ठीक। अगर इस चार्ज से इस वाले चार्ज से इसकी पोजीशन पूछता है ना, तो ये 45 है और ये 15 है, तो 45 में से 15 घटा देते तो ये सेक्शन निकल जाएगा भाई, ये सेक्शन x है ये 15 है, तो ये सब सब निकालनी तो x में से 15 बिठाएंगे तो ये सब सब निकलेगी निकलेगी, तो अगर इस चार से इस पॉइंट की पोजीशन पूछे तो 45 में से 15 बिठा दो, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, अगर इस चार से पोजीशन बताएं तो हमने यहां से इस वाले पॉइंट से बताइए 40 इस वाले पॉइंट से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर और किधर की तरफ है माइनस के 2 माइक्रोकूलम की साइड, ठीक है ना, बाहर की तरफ वो पॉइंट है, ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हैं, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा सा याद है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा सा याद दिला दे कि सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के टू चार्जेस एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, दिस अरेंजमेंट को इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक दूसरा एक वर्ड होता है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन माइनस के क्यू एंड प्लस के क्यू चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अगर ये पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर देखिए, अभी तो बस ये थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखिए कि तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इस सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होने चाहिए और अपोजिट साइन पे एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो अरेंजमेंट का नाम
हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ आदर चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आदर चार्ज दोनों में से किसी भी मैग्नीट्यूड की गैर है। और ये कैसी क्वांटिटी मालूम ना, वेक्टर, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी होती है तो फिर साइन पुट करते हैं, तो चार्ज का साइन नहीं पुट करना है। इनटू सेपरेशन बिटवीन माइनस के क्यू एंड प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की सेपरेशन कितनी दिख रही है, टू है। तो ये, लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही वाला है। अगर सेपरेशन यहाँ एल होती माइनस क्यू प्लस के क्यू तो हम एल लिख देते, सेपरेशन डी होती तो हम डी लिख देते, है ना। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, यहाँ पर टू एल स्टैंडर्ड सेपरेशन दिखाते हैं तो टू एल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी दरअसल याद है आपको, माइनस क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस के क्यू होती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन के बारे में। देखो हमें ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं रीड करना, इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले में टॉपिक में पढ़ाया है, वहां से रीड करिए। हमें पढ़ना क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस पे ध्यान दो, हम किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अभी हमने पीछे जो फॉर्मूला ड्राइव किया था V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इसके तीन केस होते हैं, पहला एट एक्सियल पोजीशन, दूसरा एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा एट एनी जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट है, एट एनी जनरल पॉइंट। ये तीन पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इसके तीन नेम होते हैं, इसके मोस्टली बच्चे एट एक्सियल पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसका एक और नेम होता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। इसी का एक और नेम होता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, पोजीशन। आपसे कह सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंड ऑन पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एट लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, ये तीनों एक ही बात है। ऐसे इसके भी तीन नेम होते हैं इस वाले के, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन तो बोलते ही बोलते हैं, एक नेम है एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एंगल पोजीशन की कंपेयरिंग इसे बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, साइड ब्रॉड साइड ऑन ऑन पोजीशन। एक और नेम है इसका, इसे लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। इसके तीन नेम इसके, उसके एक ही नेम है एट एनी पॉइंट। तो हम एक एक करके डेरिवेशन करते हैं, पहले एक्सियल पोजीशन को निकालते हैं, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन को निकालेंगे, फिर एट एनी पॉइंट पर डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हेडिंग लगाते हैं नेक्स्ट। अगली हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एट द एक्सियल पोजीशन ऑन अ ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक टाइप, ऑफ इलेक्ट्रिक टाइप, और इलेक्ट्रिक टाइप। देखो ये हेडिंग लगा दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
एंड एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक्सियल पॉइंट किसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसको समझते हैं। सबसे पहले था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जैसे तो पहले ही इलेक्ट्रिक डायपोल बना लो, ये माइनस के क्यू चार्ज और ये आपका प्लस के क्यू चार्ज, ज्यादा बड़ा ना किया लाइन जॉइनिंग, ये प्लस के क्यू चार्ज। इस डायपोल की वजह से किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर। अभी एक्सियल पॉइंट किसे कहेंगे, तो माइनस के क्यू चार्ज और प्लस के क्यू चार्ज को मीट कराने वाली जो लाइन है इसे डायपोल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायपोल एक्सिस। और डायपोल एक्सिस पर लाई करने वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये एक्सियल पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो इस डायपोल की वजह से ये आपका डायपोल हो गया। इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और ये पी पॉइंट एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन को ढंग से पहचानिए, ये माइनस के क्यू प्लस के क्यू को मीट कराने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायपोल एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्सिस पर लाई करने वाला जो पॉइंट है पी उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। देखो ये तो इसकी सेपरेशन होती है 2L, ये वाला माइनस के क्यू और प्लस के क्यू बीच की सेपरेशन। इस डायपोल का ये मिड पॉइंट है, ये डायपोल का मिड पॉइंट है, और इस डिस्टेंस को यहां से इस डिस्टेंस को हमने आर लेट किया। इसमें नेम पे ध्यान दीजिए, आर के नेम पर, इसमें आर क्या है, तो आर यहां पे है सेपरेशन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है, पी। इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इस पर ध्यान रखना। जैसे पॉइंट चार्ज में भी मैंने आपको डिस्टेंस के नेम पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा था कि पॉइंट चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक के डिस्टेंस, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालना है, तो इसमें आपको कितने पॉइंट चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, तो दो पॉइंट चार्ज दिखाई दे रहे हैं, दोनों पॉइंट चार्ज ये से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। और जैसे न्यूमेरिकल करते थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का, वैसे ही कर लो आपको। तो इसमें एक पॉइंट चार्ज ये रहा और एक पॉइंट चार्ज ये रहा। जैसे एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है ना आपको, सिंगल पॉइंट चार्ज का क्यू है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, इसे डिस्टेंस कितनी है आर, लैंग्वेज लिखते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू क्यू। तो फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर। यहाँ पर देखो क्यू चार्ज किसे निकालना है तो क्यू आ गया, किस पॉइंट पे निकालना है पी पॉइंट पे निकालना है, तो क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन लिखते हैं यहाँ पे। इस डायग्राम में क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है आर, तो आर के नेम पे ध्यान दो कि यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, किसका है, पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे R कौन सा सेक्शन लेते हैं, क्यू के इसे निकाल लें P पॉइंट पे निकाल लें, तो Q और P के बीच की शॉर्टर सेक्शन इस डायग्राम में कितना ही है R, तो R लिख दिया। बस यही कंसेप्ट इस डेरिवेशन में और है क्या, कुछ नहीं। तो लगाइए इसमें कितने पॉइंट चार्जेस हैं, दो। इस चार्ज की इसे पोटेंशियल निकाल लो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, इस चार्ज की इसे पोटेंशियल निकाल लो इस फॉर्मूले का यूज करके, और टोटल पोटेंशियल निकालना है तो ऐड कर दो। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस के क्यू चार्ज के से निकालना है, इस चार्ज के से पॉइंट पोटेंशियल। तो वी वन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू चार्ज लिख लो ओवर क्यू और पी के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन। इस डायग्राम में देखो तो ये रहा क्यू चार्ज और ये रहा पी पॉइंट, ये सेक्शन चाहिए, ये तो गिवन ही नहीं है, तो ज्योमेट्री का यूज करो। मैंने क्या कहा था, ये ओ क्या है, मिड पॉइंट है डायपोल का, और ये 2L है, तो ये सेपरेशन कितनी हुई, ये वाली, ये सेपरेशन L, और ये वाली सेपरेशन भी कितनी है L, L इधर, O इधर मिड पॉइंट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अगर मिड पॉइंट है तो ये सेपरेशन चाहिए थी हमें, तो देखो ये सेपरेशन कितनी है R, इस R में से इतनी सेपरेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे L, तो ये सेपरेशन निकले आएगी, R में से ये सेपरेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सेपरेशन निकले आएगी, तो कितनी सेपरेशन आई,
आर माइनस है, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस प्लस के क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्ट एक्सेप्शन लिखनी है, प्लस के क्यू और पी पॉइंट के इस डायग्राम में, उसमें नहीं इसमें, क्लियर है? ये हो गया। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो आप ड्यू टू किसकी वजह से, यहाँ लिख देता हूँ ये हेडिंग लेक्टर, ये हटा देता हूँ इलेक्ट्रिक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू माइनस के क्यू। भाई दो ही तो पॉइंट चार्ज है, एक इसके से निकाल लो, एक बार इसके से निकाल लो, इजी सा है। तो V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 charge sin vector over separation लिख लो, इसके और इसके बीच की सेपरेशन लिखनी है यहाँ पर, तो माइनस के क्यू और पी पॉइंट के बीच की सेपरेशन कितनी होगी, ये आर है और ये एल है, तो कितनी हो गई, आर प्लस है, आर प्लस है। मैंने कहा इस पे ध्यान दो बस और कोई कुछ नहीं है, विद साइन पुट करना होता है क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करो, ठीक है? ये पोटेंशियल निकल आया, तो इस चार्ज की से भी निकाल लिया और इस चार्ज की से भी निकाल लिया, डायरेक्शन होती नहीं है इसकी, नेट पोटेंशियल निकाल लो ना, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू इतनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R माइनस है, माइनस आ जाएगा इस, देखो ये प्लस है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, माइनस के Q ओवर R प्लस है। इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो कॉमन ले लो, तो V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, 1 ओवर R माइनस L, 1 ओवर R प्लस L, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे कैसे, इसमें से LCM ले लो, R माइनस L और R प्लस L, यहाँ R प्लस L आएगा ब्रैकेट लगा दो माइनस, यहाँ R माइनस L आएगा ब्रैकेट लगा दो, इस माइनस से जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो देखो R से R कैंसिल, तो ऊपर आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आ गया 2L इनटू 2L ओवर, इसे लिख सकते हैं हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना। एक पॉइंट और है, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था अभी, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आदर चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आदर चार्ज Q और माइनस टू प्लस टू के बीच की सेपरेशन कितनी है 2L, तो इनटू 2L दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी दर्शन कैसे होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज, सो करना तो सो करो, ठीक डायरेक्शन ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस के क्यू चार्ज की तरफ वैल्यू इतनी क्यू इंटू 2L इस डायग्राम के लिए, और तो क्यू इंटू 2L की जगह लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट पी, तो क्यू इंटू 2L की जगह पर डायपोल मोमेंट पी लिख देंगे, तो पी रिजल्ट आ गया 1 अपॉन 4 pi epsilon naught P over R square minus L square, ठीक है यहाँ तक समझ में आया। इसका एक छोटा सा केस और होता है, आपको याद हो कि ये डेफिनेशन जब बोलते हैं या आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, रियल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें माइनस के क्यू और प्लस के क्यू की जो बीच की सेपरेशन होती है वो वेरी स्मॉल होती है ना, तो आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि इफ R बड़ा है कंपेयरिंग किसके L, ये जो डिस्टेंस है ये R इस सेपरेशन की कंपेयरिंग L की कंपेयरिंग या 2L की कंपेयरिंग बहुत बड़ी है, ये डिस्टेंस R सेंटर से इसके मिड पॉइंट से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो L की कंपेयरिंग बहुत बड़ी है इस वाले केस में, या आप कह सकते हो शॉर्ट डाइपोल है ना, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा डाइपोल, जब छोटा डाइपोल होगा तो लेंथ कम होगी और लेंथ कम होगी तो आर ज्यादा लेंथ कर लेते हैं, तो शॉर्ट डाइपोल आप इसमें से किसको इग्नोर कर सकते हैं एल को, तो एल को इग्नोर करते हैं, एल छोटा है ना आर से तो इग्नोर करते हैं इसमें से एल को, एल को इग्नोर करने पर रिजल्ट क्या आएगा, वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर आर स्क्वायर। देखो ये एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, तो
इक्वल टू डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी ओवर आर क्यू आता था, ठीक है, नीचे आर क्यू है, इसमें आर स्क्वायर है नीचे डायपोल वाले केस में। ये फॉर्मूले हमें डायरेक्टली लर्न होने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो ये याद होना चाहिए। ये भी एक्सियल पोजीशन का है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है। डायरेक्टली फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करिए न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन समझ में आया आपको, एक्सियल पोजीशन पर हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल था, पॉइंट चार्ज का फॉर्मा लगाना था, सेपरेशन पर ध्यान देना था, ठीक है। चलो इक्वेटोरियल पोजीशन में देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा वाला हेडिंग लगाते हैं सेकंड वाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट कह लो, ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लीजिए, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं, देखो ये रहा, लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, माइनस के क्यू और ये प्लस के क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है और ये सेपरेशन कितनी मानते हैं हम, 2 है। इसे तो हम डायपोल एक्सेस बोलते हैं इसको, और इस पॉइंट पर लाई करने वाला, इस डायपोल एक्सेस पर लाई करने वाला पॉइंट एक्सियल पोजीशन। तो डायपोल एक्सेस के परपेंडिकुलर, डायपोल एक्सिस की परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से डायपोल के, और एक्सियल लाइन की कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का नाम इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये पी। आपको आर का नेम याद है, पीछे आर का नेम क्या बताया था, सेपरेशन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहा, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इस डिस्टेंस को हम आर बोल सकते हैं, ये डायपोल हो गया आपका ये वाला इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब इसकी वजह से पी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकाल, तो इसमें कितने पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज है, फिर पॉइंट चार्ज का फॉर्मा लगा के पी पॉइंट है, फिर पोटेंशियल निकाल लो। इसमें भी कंसेप्ट केवल किसका है, डिस्टेंस लिखने का, और कुछ नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, देखो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू प्लस के क्यू। इसमें कितने पॉइंट चार्ज हैं, 2। एक बार पॉइंट चार्ज का फॉर्मा लगा के क्यू ए से पी, क्यू ए से पी पॉइंट पोटेंशियल लगा लो, फिर दूसरी बार पॉइंट चार्ज का फॉर्मा लगा के माइनस क्यू क्यू ए से पी पॉइंट पोटेंशियल निकाल लो, फिर नेट पोटेंशियल निकाल लो, खत्म। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मा लगा रहे हैं वी वन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, प्लस का है तो प्लस का पोटेंशियल रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, हमेशा ये बस एक कंसेप्ट है इसमें छोटा सा, कि प्लस के क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेप्शन लिखनी होती है यहाँ पे। तो प्लस के क्यू ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेप्शन देखें तो ये होगी शॉर्टेस्ट सेपरेशन, ये वाली, ये सेप्शन लिखनी है। सर ये सेप्शन तो गिविन नहीं है, तो देखो ये मिड पॉइंट है तो ये सेप्शन एल होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये सेप्शन भी एल, और ये एल है और ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, है ना। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस के क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेप्शन लिखनी होती है। इस रूट से बता रहा हूं आपको, लेक्चर 2 में भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि क्यू के से निकाल ले तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, क्यू और पी को मिला लो, लाइन जॉइनिंग कर लो, और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन नहीं गिवन है तो ज्योमेट्री लगाओ,
ज्योमेट्री से उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। तो ज्योमेट्री लगाई और डिस्टेंस निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है एक पॉइंट हो गया। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो आप सिमिलरली, एंड आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी पर ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वी टू मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो चार्ज क्यू, माइनस का क्यू रखा ये साइन, ये जो क्यू का साइन है वो ये आगे लगा दिया है। अब माइनस के क्यू और पी पॉइंट के बीच की शॉर्ट एक्सेप्शन लिखनी है यहाँ पे, माइनस क्यू की से निकाले तो पी पॉइंट के बीच की शॉर्ट सेपरेशन, तो देखो ये रहा माइनस के क्यू, ये रहा पी पॉइंट, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर लो और ये सेपरेशन लिखनी है ये वाली। देखो इसमें ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस आर, ये आर, ये एल, तो ये निकालेंगे तो इसमें भी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें भी एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस निकाल लो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो इस चार्ज की ऐसे भी पोटेंशियल निकाल लिया, इस चार्ज की से निकाल लिया पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के, ठीक है अब दो ही पॉइंट चार्ज थे तो दोनों की से निकाल लिया नेट पोटेंशियल निकाल दो, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, तो वी बराबर वी वन प्लस वी टू, वैल्यू पुट कर लो तो वी वी वन की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ओवर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ओवर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल बराबर पोटेंशियल कितना आया जीरो। देखो शुरुआत में जब मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाया था कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं अपोजिट साइन के हैं, तो मिड पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालोगे तो जीरो आएगा, और इस मिड पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास होने वाली और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है। अभी पीछे बताया था स्टार्टिंग में, देखो प्रूफ हो रहा है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसकी डायपोल की, ये डायपोल हो गया ना माइनस के क्यू प्लस के क्यू, तो पोटेंशियल जीरो आ रहा है, ठीक है ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। डायपोल मोमेंट की दर्शन दिखाना चाहे वैसे तो डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आ रहा है, डायपोल मोमेंट की दर्शन दिखाएं तो ऐसे होगी माइनस के क्यू से प्लस के क्यू, पहचान लो कि डायपोल इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं इस वाली पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट P over R के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पर ड्यू टू शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो P over R क्यू आता है लेकिन पोटेंशियल जीरो आता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक ऐसे पॉइंट की पोजीशन बताओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता हो, जीरो नहीं होता, तो हम कहेंगे एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, एक पॉइंट की पोजीशन पूछे तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं, थर्ड केस पढ़ते हैं। जो थर्ड केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड केस क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, एट एनी पॉइंट एक्सियल पोजीशन को छोड़ दो और इक्वेटोरियल पोजीशन को छोड़कर किसी भी अंदर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक डायपोल बना लेते हैं। तो ये देखो माइनस के क्यू और ये आपका प्लस के क्यू, ये आपका एक डायपोल बना लिया, लाइन ज्वाइनिंग है ये, कनेक्ट नहीं है आपस में, लाइन ज्वाइनिंग बस डार्क करके दिखा देता हूं, ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको हम सेपरेशन बोलते थे 2L ऐसा, ठीक है इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इस पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आपको याद है R का नेम
आर का नेम चेंज नहीं हुआ, सेपरेशन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो बता ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है? पी। तो ये हो गई आपकी, ये आर हो गई है वाली सेपरेशन, इसको आप आर कह सकते हो, इस वाले पॉइंट के बीच की सेपरेशन ये रहा, ठीक है, ये सेपरेशन आर, ओ से पी तक की सेपरेशन आर, ये ओपी डिस्टेंस होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस के क्यू से प्लस के क्यू होती है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई माइनस के क्यू से प्लस के क्यू। तो देखो ये थीटा लेट कर लिया हमने, नेम पे ध्यान देना, यार थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच का एंगल है, ठीक है। डायपोल मोमेंट पी और आर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से मीट कराने वाली जो लाइन है, उस लाइन और डायपोल मोमेंट पी के बिटवीन एंगल है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो देखो इसमें यहाँ एक कंसेप्ट है, इस पी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, तो इसमें पी के कंपोनेंट करो, तो दो कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट कहां से करते हैं? टेल से। तो मान लो यहां से कंपोनेंट कर लेते हैं पी के, तो एक कंपोनेंट आपका ये आया और एक कंपोनेंट आपका ये वाला, ये दो कंपोनेंट हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो पी के कंपोनेंट किए हैं, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा, है ना, ठीक। अब पी के कंपोनेंट करने के बाद देखो एक डायपोल ये है ओरिजिनल डायपोल आपका माइनस के क्यू से प्लस के क्यू, जिसका डायपोल मोमेंट है पी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये तो ये इसका पार्ट है इस डायपोल मोमेंट का, तो ये भी जो डायपोल मोमेंट है, तो हम यहां एक इमेजिन कर लेते हैं कि यहां पर ये एक डायपोल दैट इज माना, यहां पर लिख दो माइनस के क्यू और यहां पर लिख दो प्लस के क्यू, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डजन की दशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस के क्यू। देखो ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, तो माइनस क्यू से प्लस के क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इस डायपोल मोमेंट का, इसका डायपोल मोमेंट कितना है इस डायपोल का? पी कॉस थीटा। इस वाले डायपोल, ये ओरिजिनल डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट कितना? पी, इसी का कंपोनेंट किया पी कॉस थीटा, तो ये भी एक डायपोल होगा, तभी तो उसका डायपोल मोमेंट होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये चेक करके बताओ इस वाले डायपोल के लिए, इस वाले डायपोल के लिए पी पॉइंट कौन सा है? एक्सियल पोजीशन है या इक्वेटोरियल पोजीशन? देखो इस डायपोल के लिए, पी कॉस थीटा के लिए, देखो आप यहां इसे अलग से बनाना चाहो तो ये बना सकते हो ऐसे, ये माइनस के क्यू और ये आपका प्लस के क्यू, ये मिड पॉइंट, देखो यही तो मिड पॉइंट है ओ, तो ये मिड पॉइंट ओ और ये पॉइंट हो गया पी, और ओ से पी पॉइंट तक की ये जो सेपरेशन दे रखी है ये आर। अब चेक करके बताओ ये इस डायपोल के लिए, और डायपोल मोमेंट कितना है इसका? पहले पी हुआ करता था, लेकिन अब इसका डायपोल मोमेंट कितना है? पी कॉस थीटा है। ये पॉइंट पी इस वाले डायपोल के लिए कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन? देखो तभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं एक्सियल पोजीशन पढ़ा रहा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ा रहा था आपको, कि पहचान लो, पहले देखो ऐसे बना देते ओरिजिनल डायपोल की एक्सियल पोजीशन, ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू, और ये माइनस क्यू प्लस टू को मीट कराने वाली लाइन डायपोल एक्सिस, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते थे एक्सियल पोजीशन। तो माइनस क्यू प्लस टू को मीट कराने वाली लाइन के अलोंग ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन, तो ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू, इसको मीट कराने वाली लाइन के अलोंग ही तो ये पी पॉइंट, तो पी पॉइंट इस डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन है कि नहीं है? तो एक्सियल पोजीशन है, तो आप एक्सियल पोजीशन का इस वाले पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट से अगर ये आर डिस्टेंस पे था, तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर स्क्वायर, ये तो आया था इस डायग्राम, अभी प्रूव किया था एक्सियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल v इज इक्वल टू 1/4 p ओवर r स्क्वायर। तो आप यहां लिख सकते हो कि इफ पॉइंट p लाइज ऑन एक्सियल लाइन फॉर कंपोनेंट, किसके लिए एक्सियल लाइन पर है लेकिन किसके लिए, फॉर कंपोनेंट p cos थीटा के लिए, पॉइंट p लाइज ऑन एक्सियल लाइन फॉर कंपोनेंट p cos थीटा, इस कंपोनेंट p cos थीटा के लिए ये पॉइंट p, p cos थीटा के लिए पॉइंट p एक्सियल लाइन है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू कंपोनेंट पी कॉस थीटा, तो वी वन 1/4 p cos theta over r square। जब यहां p था तो यहां p आ गया, ऑब्जेक्शन पॉइंट से मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस r थी तो r का स्क्वायर आ गया। लेकिन इस वाले डायग्राम को देखो, ये एक्सियल लाइन है लेकिन यहां p की जगह पर कितना हो गया है, p cos theta हो गया है, तो p की जगह पर p cos theta है और मिड पॉइंट से ऑब्जेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस तो आ रही है, तो p की जगह पर p cos थीटा करना, p cos थीटा तभी तो लिखा हमने, एक पॉइंट p लाइज ऑन एक्सियल लाइन फॉर कंपोनेंट, एक्सियल लाइन है लेकिन किसके लिए है, कंपोनेंट के लिए, p cos थीटा के लिए। ओरिजिनल डायपोल तो ये रहा माइनस q, ये प्लस q डायपोल मोमेंट p, और इसके लिए एक्सियल लाइन है नहीं लेकिन इसका एक कंपोनेंट किया p cos थीटा, तो इसे एक डायपोल कंसीडर कर लें, इमेजिन कर लें कि ये डायपोल है, ये माइनस के क्यू, ये प्लस के क्यू, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो पी कॉस थीटा को एक डायपोल मान लें ये वाले को, और इसको डायपोल मान लेंगे तो ये लाइन पी पॉइंट इस डायपोल के लिए एक्सियल पोजिशन है, और एक्सियल पोजिशन है तो एक्सियल पोजिशन का फॉर्मूला लगा दिया, देखो ये वाला समझ में आया कुछ, ठीक है एक पॉइंट हो गया। ये डायग्राम तो देखो मैंने वहां पर बनाया हुआ है, समझाने के लिए बना दिया था, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट सब करते हैं, एक केस हो गया एंड पॉइंट पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन फॉर कंपोनेंट P sin थीटा, चेक करो ये जो P sin थीटा है ये भी तो डायपोल मोमेंट है, और ये P sin थीटा इस नेम को थोड़ा सा ठारे जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है। P sin थीटा भी तो डायपोल मोमेंट है, तो इसकी डजन कैसे होगी, डायपोल मोमेंट की डजन होती है माइनस, तो एक इमेजिन कर लें यहां पर भी एक डायपोल ऐसे, यहां पे क्या लिखें माइनस के क्यू, और यहां पे क्या लिखें प्लस के क्यू, यही माइनस क्यू क्यों लिखा समझ आया, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस के क्यू तरफ होती है, तो डायरेक्शन देखो पी साइन थीटा की, तो देखो ये इस डायपोल के लिए एक डायपोल बन गया ये, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है पी साइन थीटा है, तो इस डायपोल के लिए पी पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं है भाई, ये डायपोल हो गया और इसके डायपोल के मिड पॉइंट से और डायपोल एक्सिस ये हो गई भाई, इस डायपोल की डायपोल एक्सिस किसे कहते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू को मीट करने लाइन होती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर तो पास हो रही है लाइन, ये वाली लाइन इस डायपोल के परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल लाइन हो गई ये वाली, और इक्वेटोरियल लाइन हो गई तो कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसीलिए कह रहे हैं सो पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर कंपोनेंट P sin थीटा, P के लिए नहीं है, P के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है, लेकिन P sin थीटा के लिए इसको एक डायपोल मान लिया जाए तो इसके लिए ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन है, और डायपोल मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि डायपोल मोमेंट आ रहा है P sin थीटा, कुछ पार्ट है ना इसका, कुछ पार्ट है P sin थीटा, और डायपोल मोमेंट ही होगा पार्ट है, तो समझ में आया, तो इक्वेटोरियल लाइन, तो फिर फॉर्मूला क्या लगा दें, तो V2 बराबर कितना 0, अभी प्रूव किया
एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो जीरो आता है, तो जीरो हो गया। तो इस डायपोल की वजह से अगर हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे इस वाली की वजह से, तो लिख भी दें से एंड सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू कंपोनेंट पी साइन थीटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होता है जीरो, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल निकाल लिया भाई, भाई इसके दो पार्ट किए थे, एक ये रहा एक ये रहा, इसके वजह से भी निकाल लिया इसके वजह से भी निकाल लिया। अब नेट पोटेंशियल निकाल दें, दोनों को ऐड कर दें, तो नेट पोटेंशियल देखें, यही लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये देखो ये पोटेंशियल आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो प्लस के जीरो करोगे तो जीरो ही हो गया, इतना इतना हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू रूट के अंदर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। थीटा का नाम यही है, डायपोल मोमेंट पी, ओरिजिनल डायपोल मोमेंट पी और ऑब्जेक्शन पॉइंट को, ऑब्जेक्शन पॉइंट को मिड पॉइंट से मीट कराने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बीच में एंगल, या पी और आर के बीच में एंगल भी कह सकते हो थीटा का। तो देखो ये एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है और एट एनी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तीन दोनों का डेरिवेशन करने का तरीका सेम है, बस वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सिंपल पड़ता है उससे, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे पॉइंट सुनते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले के यूज के बारे में सीख लेते हैं। तो देखो मैं इसे मिटालता हूं अभी, फिर समझाता हूं। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल निकला, ये वाला, तो ये डायपोल आपका, ये माइनस के क्यू है ना, और ये प्लस के क्यू, ये मिड पॉइंट और ये एट एनी पॉइंट, ये लाइन ज्वाइनिंग कर ली है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग और ये डिस्टेंस आर है ना, और ये डायपोल मोमेंट माइनस के क्यू से प्लस के क्यू, ये और ये थीटा हमारा। तो इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, कितना पोटेंशियल आया, ठीक है। थीटा का नेम पे ध्यान दिया, थीटा ध्यान दो वो कहां पे बनना है, थीटा इस पे नेम पे ध्यान दो, थीटा का नेम इंपॉर्टेंट, सिंबल कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमेशा जितने भी सिंबल हम यूज करते हैं फिजिक्स में फॉर्मुलों में उनके नेम पर कॉन्सेंट्रेट किया करो हमेशा, ठीक है। तो देखो यहां थीटा का नेम कॉन्सेंट्रेट कर लिया, क्या है, ठीक है। अब जरा देखो यही तो ओरिजिनल डायपोल है, ये वाला, ये रहा माइनस के क्यू प्लस के क्यू, अगर ये पॉइंट पी यहां पर आ जाए, अगर ये पॉइंट पी यहां पे आ जाए तो ये कौन सी पोजीशन है, तो देखो ये ओरिजिनल डायपोल, ये माइनस के क्यू प्लस के क्यू, ये डायपोल एक्सेस हो गई, ये डायपोल एक्सेस, तो ये वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट नहीं हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। तो अगर ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो ये ओ को पी से मीट कराने वाली जो लाइन थी ये वाली, ये लाइन भी तो ये वाली लाइन हो जाएगी। तो देखो जब ये पॉइंट यहां पे आया तो ये जो मीट कराने वाली लाइन है ये लाइन भी तो ऐसी आ जाएगी ऐसी, तो पी और आर के बीच में कितना एंगल आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ गया तो पी और आर के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री, समझ में आया। तो इस वाले केस में रख दो, ये तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया एट एनी पॉइंट का, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल अगर इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है तो जगह पर रख सकते हो, जनरल फॉर्मूला ही है, किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, बस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, पी कॉस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
तो वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पर पॉज जीरो की वैल्यू वन तो पी ओवर आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू डायपोल की वजह से। अच्छे अगर इस वाले पॉइंट पर ले आते हम पी पॉइंट, अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो देखो ये डायपोल एक्सेस हो गई माइनस क्यू प्लस क्यू को मिल कराने वाली लाइन, और डायपोल के मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर डायपोल एक्सेस के इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अगर ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाए तो ये लाइन जो है पी ओ पॉइंट और पी पॉइंट को मीट कराने वाली जो लाइन है ये भी तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, और ऐसे शिफ्ट हुई तो P और इस लाइन के बीच में कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में अगर थीटा 90 डिग्री रख दो तो पोटेंशियल कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कॉस 90 डिग्री कितनी होती है 0, 0 आ रहा है। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है 0। देखो ये जनरल पॉइंट हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इस फॉर्मूले का यूज किसी पोजीशन पर कर सकते हो, बस इंपॉर्टेंट है थीटा के नेम पे ध्यान देना। अगर ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाता है तो ये लाइन ओ और पी को मीट कराने वाली जो लाइन है ये अगर पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो मीट कराने वाली लाइन ये हो जाएगी, और पी और आर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले थीटा 0 डिग्री रख दो रिजल्ट आ गया, एक्सियल पॉइंट हो जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है।